We have Mr. Nitin Mood with overall 25 years of teaching experience. He has 5 years of experience in accounts and law departments. If we talk about education qualifications, he has postgraduate in commerce, management, and law. He is currently pursuing PhD in law. If we talk about professional roles, he was previously the Dean of SET College of Professional Education. Currently, he's Dean of School of Banking, Finance, and Commerce in Scope Global Skills University. Welcome, and over to you, sir, for the rest of the night. Thank you very much, ma'am. Good afternoon, everyone. Today we are discussing about the GST certification course and about the GST. हमारा जो आज डिस्कशन करने का जो टॉपिक है वो जीएसटी पे भी हम बात करेंगे और जीएसटी का जो सर्टिफिकेशन कोर्स स्टार्ट किया है इसको ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी में, तो उसके एडवांटेज क्या है उसकी बात करेंगे और कोर्स के अंदर उसका कंटेंट क्या रहेगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं और करियर में कुछ बेनिफिट चाहते हैं तो इस सर्टिफिकेट से क्या बेनिफिट हमको मिल सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पर जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल हो चुकी है। वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज जो हैं वो जीएसटी को लागू अपने यहाँ पर कर चुकी है। तो जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो जीएसटी पैटर्न पे ही चल रहा है, मतलब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है और इनडायरेक्ट टैक्स जो है डिफरेंट टाइप के जो टैक्सेस थे उन सबको हटाकर सिर्फ एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो यहाँ पर लागू किया गया है। तो इसके लिए एक सर्टिफिकेट कोर्स है जिसे हमने इसको ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी में हम अभी लॉन्च कर रहे हैं, जिसको करके आप अपने करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें कि इस कोर्स को करने के बाद में आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप कहीं पे करंटली जॉब कर रहे हैं, अकाउंट सेक्शन में अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो इस कोर्स को करने के बाद में आपको अपनी सैलरी में हाइक मिले। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स को लेकर है कि इस कोर्स को करने के बाद में आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड में मैक्सिमम कंट्रीज में जीएसटी एप्लीकेबल की गई है, लगभग 165 कंट्रीज, मोर देन 165 कंट्रीज में जीएसटी एप्लीकेबल की जा चुकी है। तो हर कंट्री में जीएसटी एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे यहाँ पर 2017 में जीएसटी एप्लीकेबल की गई है इंडिया में, तो उसके बाद में यहाँ पर भी जो एक्सपर्ट्स हैं, जीएसटी एक्सपर्ट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर बढ़ गई है। तो इस कोर्स को करने के बाद में आप एज ए कंसल्टेंट, एज ए अकाउंट असिस्टेंट, डिफरेंट टाइप के जो आपके जीएसटी से रिलेटेड जो जॉब है वहां पर आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। इस कोर्स के अदर बेनिफिट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें, अगर आप प्रेजेंटली कहीं अकाउंट सेक्शन में जॉब कर रहे हैं और जीएसटी के कोर्स को आप करते हैं, तो उसको करने के बाद सबसे पहला जो आपका एडवांटेज होगा वो रहेगा कि आपको अपनी सैलरी में हाइक मिल जाएगा, जो लगभग 15% से लेकर 25% के बीच में रहेगा। इसके अलावा जो इंडिविजुअल्स हैं जो कंसल्टेंसी का काम करना चाहते हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, तो कंसल्टेंसी के भी आपका एक ऑप्शन होता है, आप कंसल्टेंट बन सकते हैं जीएसटी के। इसके अलावा टैक्सेशन, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि एक स्किल के अंतर्गत आएगा ये। और जो अकाउंटिंग करते हैं, जो अकाउंटिंग वर्क करते हैं जो लोग, तो डिफरेंट टाइप की अकाउंटिंग देखते हैं, जिसमें कि डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स देखा जाता है, वेल्थ टैक्स देखा जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी के पहले जो कंसल्टेंट्स हैं वो सेल टैक्स पे काम करते थे, वो एक्साइज के लिए काम करते थे, वो सेल टैक्स या वेट के लिए काम करते थे, लेकिन अब ओवरऑल इन सारे टैक्सेस को हटाकर जीएसटी एप्लीकेबल की गई है। तो वो पर्सन, वो जो कंसल्टेंट है, जो एक्सपर्ट है, वो जीएसटी फील्ड में अपने काम को कर सकता है, अपने स्किल को डेवलप कर सकता है। तो इस तरीके से जो कोर्स है ये आपको मौका देता है अच्छे ऑप्शन को चूज करने के लिए। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा जीएसटी को भी एक बार समझते हैं कि जीएसटी आखिर क्या है, क्योंकि इसको लेकर काफी क्यूरीज रहती है हमारे बीच में कि जीएसटी क्या है, क्यों एप्लीकेबल की गई है और कब एप्लीकेबल की गई और इसका एडवांटेज क्या है। जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में 1954 में लागू की गई थी, उसके बाद में लगभग मोर देन 160 कंट्रीज में ये एप्लीकेबल की गई है। पाकिस्तान में भी हमारे इंडिया के पहले जीएसटी लागू कर दी गई थी, लेकिन वहां पर इसका नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं है, वहां पर इसे जनरल सेल टैक्स कहा जाता है। इसके अलावा जर्मनी है, इटली है, यूके है,
साउथ कोरिया, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगह पर जीएसटी लागू की जा चुकी है। चाइना ने 1994 में अपने आप पर एप्लीकेबल किया, रशिया में ये 1991 में और सऊदी अरेबिया में 2018 में ये लागू कर दी गई है। अगर हम इंडिया की बात करें, अपने कंट्री की बात करें, तो यहाँ पर ये 1 जुलाई 2017 को एप्लीकेबल की गई है। जैसे हम जानते हैं कि एक एक्ट है और कोई भी एक्ट जो है वो पार्लियामेंट में पास होता है तभी वो एक्ट कहलाता है। जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, वहाँ से बिल को पारित कराना होता है, उसको पास कराना होता है, फिर जो प्रेसिडेंट है उनकी सहमति होती है तब जाके कोई एक बिल बनता है। तो इसके जो प्रोसीजर है ये तो काफ़ी पहले से स्टार्ट कर दी गई थी जीएसटी लागू करने की, जब अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट थी उस समय पर इस प्रोसेस को स्टार्ट किया गया था। लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट होते 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 कुल मिला के 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंडिया में एप्लीकेबल की गई। और इसके लिए हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें संशोधन किया गया, संशोधन 101 ये एक अमेंडमेंट था, संशोधन किया गया, इसके बाद में जीएसटी को लागू किया गया। और जैसे ही जीएसटी लागू हुई तो डिफरेंट टाइप के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उन सबको हटा दिया गया, उनकी जगह पर सिर्फ एक ही टैक्स लगाया गया जिसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है। और उस समय पर एक स्लोगन भी दिया गया, आज भी बोला जाता है, वन वन इंडिया वन टैक्स। तो यहाँ पर बिजनेसमैन को डिफरेंट डिफरेंट मतलब टैक्सेस के लिए कैलकुलेशंस या डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स पर जाके या डिफरेंट ऑफिस में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना, अपना चालान जमा करना, अपनी फीस जमा करना, ये सारे काम नहीं करने होते हैं। सिर्फ एक टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ पर उसे अपने पोर्टल पर जाके टैक्स का सबमिशन करना होता है। इंडिया में जो मॉडल एप्लीकेबल किया गया जीएसटी का उसे हम ड्यूल जीएसटी मॉडल कहते हैं, और ये मॉडल हमने उठाया है कैनेडियन मॉडल कहते हैं, कैनेडा से इस मॉडल को उठाया है। यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि जो इनकम हो रही है, जो टैक्सेस से गवर्नमेंट की इनकम हो रही है, उस इनकम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, सेकेंड पार्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास में जाता है। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हम समझते हैं कि जीएसटी लागू करने के पहले हर एक स्टेट सेल टैक्स, वेट ये लागू करती थी। हर एक स्टेट का अपना एक एक्ट था, हर स्टेट अपना सेल टैक्स एक्ट बनाती है, अपने उसके टैक्स का स्लेब डिसाइड करती है, टैक्स का रेट वो डिसाइड करती है कि किस प्रोडक्ट पर कितना टैक्स चार्ज होगा। इससे स्टेट की अपनी एक इनकम जनरेट होती थी। लेकिन जीएसटी लागू किया गया और जबकि सारे टैक्सेस को हटा दिया गया तो स्टेट की जो इनकम है वो इनकम खत्म हो गई। अब किसी भी स्टेट को रन करने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है, पैसा चाहिए होता है, वो आप कहाँ से आएगा? तो कैनेडियन मॉडल में ये है कि जो भी जीएसटी से इनकम होती है उस इनकम को दो पार्ट डिवाइड किया जाता है, जिसका फर्स्ट पार्ट एक पार्ट 50% जो पार्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और सेकंड पार्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है। हम देखते हैं अपनी सिटी में अगर हम जाके देखते हैं और कोई प्रोडक्ट हम परचेस करते हैं और वहां पर अगर कोई इनवाइस को हम देखेंगे, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पर आप किसी इनवाइस को देखिएगा तो आप देखिएगा वहां पर 5% अगर जीएसटी लग रही है तो 2.5% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है एंड 2.5% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलती है। तो ओवरऑल इंडिया में कैनेडियन मॉडल को अडॉप्ट किया गया है और जीएसटी 4 टाइप से डिवाइड की गई है, जिसमें सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटोरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस कोर्स के अंतर्गत हम इन चारों के बारे में डिस्कस करेंगे, हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि इनकी रिटर्न्स कैसे फिल की जाती है, इनके चालान कैसे जमा किए जाते हैं, किस तरीके से हम गवर्नमेंट को अमाउंट पे करते हैं। अब जीएसटी सिस्टम जो है वो क्या कहता है? जीएसटी सिस्टम में ये है कि जहां भी किसी गुड्स को, किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को प्रोवाइड करने से अगर कोई इनकम जनरेट होती है, कोई रेवेन्यू जनरेट होता है, जहां पर उसका प्राइस बढ़ता है, जैसे एक प्रोडक्ट परचेज किया गया 1 लाख रुपीज का और आगे उसको सेल आउट किया गया 1,50,000 रुपीज में, तो यहाँ पर 50,000 का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उस कंडीशन में इस प्रोडक्ट पर जीएसटी एप्लीकेबल है। डिफरेंट डिफरेंट टायर्स में जीएसटी लगती है, गुड्स को परचेज करेंगे तब लगेगी, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर लगेगी, स्टोरिंग के टाइम पर लगेगी, सप्लाई के टाइम पर लगेगी, या कस्टमर को जब ट्रांसफर किया जाता है उस समय पर। तो जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होती हैं वहाँ डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पर
जीएसटी लागू की जाती है। अब ये क्वेश्चन होता है कि जो डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो सारे के सारे टैक्सेस क्या थे जिनको हटाकर जीएसटी एप्लीकेबल की गई है। तो अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल में हम सेल टैक्स सबसे पहले ले लेते हैं, सेल टैक्स है या वेट जिसे कि वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है, इसे पूरे तरीके से स्टेट से हटा दिया गया है। सिर्फ अभी 3 प्रोडक्ट है जिनके ऊपर अभी वेट एप्लीकेबल है, वो मैं आपको बताऊंगा 3 प्रोडक्ट क्या है। स्टेट लेवल पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, ऑक्ट्राय लगता था, एंट्री टैक्स लगता था, परचेस टैक्स लगता था, लग्जरी टैक्स लगता था और लॉटरी बेटिंग और गैमलिंग के ऊपर टैक्स लगता था। ये सारे टैक्सेस, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, अगर हम ओवरऑल बात करें तो नियर अबाउट 32 टाइप्स के जो टैक्सेस हैं उन टैक्सेस को हटाकर उसकी जगह पर जीएसटी को एप्लीकेबल किया गया है। हम यहाँ सेंट्रल लेवल की बात करें तो सेंट्रल लेवल पर जो एक्साइज ड्यूटी मतलब जब किसी गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है, कोई प्रोडक्ट बनता है फैक्ट्री में, तो जैसे ही वो प्रोडक्ट बनता है फैक्ट्री से निकलने के पहले ही उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी चार्ज हो जाती थी, तो एक्साइज ड्यूटी को भी हटा दिया गया है, अब उसकी जगह पर जीएसटी चार्ज होती है। सर्विस टैक्स हटा दिया गया है, उसकी जगह पर जीएसटी चार्ज होती है। जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए पहले अलग एक्ट था और जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते थे उनके लिए एक अलग एक्ट था और उसके अलावा जो सेल करते थे उनके लिए अलग एक्ट था, लेकिन अब सबको मर्ज कर दिया गया है और इन सबको मर्ज करके सिर्फ एक टैक्स लगाया गया है जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये सारे के सारे टैक्स जो है वे एलिमिनेट कर दिए गए, हटा दिए गए हैं, हटाने के बाद एक टैक्स लाया गया है। आपको थोड़ा सा मैं नॉलेज दे रहा हूँ कि हमारे जीएसटी में क्या समझना है आगे चल के, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। सबसे ज्यादा जो जीएसटी में टैक्स का परसेंटेज है वो 28% है। 28% से ज्यादा किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हो सकती है। और 28% भी जो जीएसटी चार्ज की जाती है वो लग्जरियस आइटम पे चार्ज होती है, जिसे हम सिन आइटम्स भी कहते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर हम स्लिप देखें यहाँ पर तो 5%, 12%, 18% में मैक्सिमम प्रोडक्ट कवर किए जाते हैं। 0% का मीनिंग होता है कि कुछ गुड्स, कुछ कमोडिटीज ऐसी होती है जो कि डेली नीड की होती है या नेसेसिटी की होती है, जो हर व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स चार्ज नहीं किया है। 0% उसके ऊपर टैक्स रहता है, गवर्नमेंट कोई टैक्स चार्ज नहीं करती है। अभी जीएसटी के अंदर जो 3 प्रोडक्ट नहीं आते हैं वो प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूं। नंबर फर्स्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होती है। यहां पर अभी भी स्टेट लेवल का वेट चार्ज होता है, इसलिए हम देखते हैं जब कभी भी पेट्रोल के रेट में जब कोई डिफरेंस आते हैं तो न्यूज में हम देखते हैं तो क्या होता है, सब जगह के रेट अलग अलग बताए जाते हैं कि आज पेट्रोल का रेट कोलकाता में ये है, दिल्ली में ये है, मुंबई में ये है, भोपाल में ये है, क्योंकि हर स्टेट चेंज होते से ही पेट्रोल का रेट चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से उसके ऊपर वेट चार्ज करती है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर चार्ज नहीं होता है। सेकंड हो गया आपका अल्कोहल के ऊपर, जिसे हम अल्कोहलिक ड्रिंक्स या जिसको हम शराब कहते हैं, इस पर भी जीएसटी लागू नहीं होती है। हर स्टेट अपने हिसाब से उस पर टैक्स चार्ज करता है और अपना कलेक्शन करता है। ओवरऑल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सारे प्रोडक्ट्स को हटाकर, उन सारे प्रोडक्ट्स में जीएसटी एप्लीकेबल है सिर्फ इन 3 प्रोडक्ट्स को हटाकर, पेट्रोलियम, अल्कोहल और इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा 2 स्पेशल परसेंटेज बनाए गए हैं, जैसे गोल्ड के लिए 3% जीएसटी चार्ज किया जाता है, ज्यादा चार्ज नहीं होता है, और प्रीशियस मेटल्स वगैरह जो रहते हैं, नग वगैरह रहते हैं, उस पर 0.25% चार्ज होता है। अब हम देखें कि अगर जीएसटी अपनी कंट्री में लगाई गई है तो आखिर इसके बेनिफिट क्या है, थोड़ा सा हम इसका बेनिफिट्स भी समझ लेते हैं, फिर हम कोर्स के बेनिफिट के ऊपर बात करेंगे और डिटेल में कि जीएसटी आखिर लागू क्यों की गई। नंबर फर्स्ट, इजी कंप्लायंस। आप समझना, प्रैक्टिकली आपको इस बात को समझना है यहाँ पर, जो आपके करियर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात यह थी कि जब जीएसटी एप्लीकेबल नहीं थे, डिफरेंट टाइप के टैक्सेस थे, तो जो बिजनेसमैन था उसने डिफरेंट टैक्स के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता था, अपनी रिटर्न सबमिट करना होती थी। मतलब एक ही बिजनेसमैन जो है वो सेल टैक्स में भी अपना रजिस्ट्रेशन करा रहा है, वो सर्विस में भी करा रहा है अपना, वो एक्साइज में भी करा रहा है,
तो डिफरेंट टाइप के जो टैक्सेस होते हैं उसके लिए अलग अलग अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, अपना अपना उसका वैल्यूएशन कराता है, फिर उसका वो चालान भर के और अमाउंट सबमिट करता है, अपनी रिटर्न सबमिट करता है, और उसके लिए पर्टिकुलर उसे किसी ऑफिस में जाना होता था, वहां पर जाकर लाइन में लग के क्यू में लग के उसको अपनी रिटर्न वहां पर सबमिट करना होती थी पर्टिकुलर थी उस डेट पर। लेकिन जीएसटी आने के बाद में पहली बात तो सारे के सारे एक्ट हटा दिए गए, तो उसको 10 जगह पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक जगह पर करना है और वो है जीएसटी पोर्टल। और ये सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है। तो यहाँ पर हमें समझना है, हमें सीखना है, क्योंकि प्रैक्टिकल वे में इसको हम सीखेंगे, हम अपने घर में बैठ के, हम किसी ऑफिस में बैठ के भी जीएसटी की रिटर्न भर सकते हैं। तो बड़ी इजी कंप्लाइंस हो गई है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं क्यू पर नहीं लगना है, कहीं हमें कैश का पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि सारा का सारा पेमेंट होगा वो आपका नेट बैंकिंग के थ्रू होगा, डेबिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड के थ्रू जीएसटी का पेमेंट होगा। तो बड़ी इजी कंप्लाइंस हो गई है। नंबर सेकंड, जीएसटी अप्लीकेबल करने से ऑल ओवर इंडिया में पर्टिकुलर कोई भी एक प्रोडक्ट अगर आप लेंगे तो उसका टैक्स का रेट आपको सब जगह सेम मिलेगा। अब टैक्स में रेट में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि जब पूरे ऑल ओवर इंडिया में सारे स्टेट्स में सारे सिटी में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर जब एक ही रेट से जीएसटी चार्ज होगी तो उसके रेट में वेरिएशन नहीं आएगा। अभी भी आ रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर, क्यों? क्योंकि वहां पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। कास्ट कटिंग का भी रिमूवल कर दिया गया है, मतलब पहले टैक्स के ऊपर टैक्स चार्ज होता था, आपने एक टैक्स प्रोडक्ट पर उसकी टोटल कॉस्ट निकाली, फिर उसके बाद में आपने फिर उसके ऊपर एक दूसरा टैक्स फिर चार्ज कर दिया, टैक्स चार्ज करके उसकी कॉस्ट निकाली, फिर उसके बाद उस पर आपने तीसरा टैक्स चार्ज कर दिया। ये सारे टैक्सेस आप हटा दीजिए, सिर्फ एक जीएसटी चार्ज होगी। मैन्युफैक्चरर्स को, एक्सपर्ट्स को, एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको बेनिफिट इसमें मिल जाता है, और सिंपल इसका एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल है, सिंपल है, और लीकेज होने के इसमें कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें आपके सिस्टम पे है, आपके पासवर्ड से प्रोटेक्ट है। तो यहाँ कोई मतलब कहीं कोई लीकेज होने की कोई संभावना नहीं है कि कहीं जाकर आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं या किसी से आप डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं, जीएसटी पोर्टल पे अगर आपको पे करना है, किसी बिजनेसमैन को पे करना है, तो पर्टिकुलर उसका एक पासवर्ड होता है, उसको पासवर्ड दिया जाता है और पासवर्ड के थ्रू जाके वो अपना पे करता है। तो इस तरीके से जीएसटी के काफी बेनिफिट्स हैं जिससे आप इस कोर्स के अंतर्गत सीखेंगे। अब वही हम बात करते हैं कि करियर में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इस कोर्स को करने के बाद में। तो जैसे हम जानते हैं कि एक स्किल का कोर्स है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसको ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी की, तो डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स को लेकर हम बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा आज के डेट में जो डिमांडिंग कोर्स है वो जीएसटी है, क्योंकि ये एक्ट एप्लीकेबल होने के बाद टैक्स के सेक्टर में एक रिवोल्यूशन आया है। हर एक बिजनेसमैन, भले छोटा बिजनेसमैन हो चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, वो जीएसटी के अंदर आता है और कहीं ना कहीं उसको रिटर्न सबमिट करना होती है। तो इस स्किल को अगर आप सीखेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट आपको मिलना है, क्योंकि एक स्किल है और किसी इंडस्ट्री में या कंसल्टेंट के तौर पर आप काम कर सकते हैं। आप अगर कहीं पे काम अभी कर रहे हैं, इस समय पे काम कर रहे हैं, अकाउंट सेक्शन में काम कर रहे हैं, तो आप अपने आप को आगे डेवलप कर सकते हैं, आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, और डेफिनेटली नॉलेज को आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब एक पर्सन किसी अकाउंट सेक्शन में काम करता है तो उसे सारे टैक्सेस का नॉलेज होना चाहिए। अब टैक्सेस का नॉलेज उसे होना चाहिए तो उसके लिए उसे जीएसटी का नॉलेज भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो पर्टिकुलर एक अकाउंट सेक्शन में काम कर रहा है तो अकाउंटिंग नॉलेज होगा, टैली का उसको नॉलेज होगा, टैली के साथ साथ उसे इनकम टैक्स का भी नॉलेज होना चाहिए और साथ साथ उसे जीएसटी का नॉलेज भी होना चाहिए। अब कोई एक पर्टिकुलर एक अकाउंटेंट है या कोई एक पर्सन है जो किसी फॉर्म में किसी कंपनी में काम कर रहा हो, और अगर उसे ये सारे कोर्स का या सारे एक्ट का अगर उसको नॉलेज हुआ, तो वो फॉर्म के लिए एक इन्वेस्टमेंट है एक तरीके से। तो जब आप सीखेंगे इस कोर्स को सीखने के लिए हमारे पास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड है, दोनों मोड में आकर इस कोर्स को आप सीख सकते हैं। आप एक फाइनेंस प्रोफेशनल हो सकते हैं, एक एंटरप्रेनर हो सकते हैं, आप एक टैक्स कंसल्टेंट हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को एनहेंस करेंगे इसके थ्रू।
साथ ही हम देखते हैं कि आप जो चेंज हुआ है, जो एक रेगुलेशन चेंज हुए हैं, तो यहाँ पर हमें सॉरी आपको ये चीज़ बड़े अच्छे से समझना है कि जीएसटी का कोई ऑप्शन नहीं है। आप ही सोचिए कि जीएसटी छोड़ के हम किसी दूसरे ऑप्शन पर चले जाएं, क्योंकि ये एक्ट है और एक्ट जो बनाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो पार्लियामेंट में पास हुआ है, तो जब पार्लियामेंट में कोई बिल पास होता है, बिल का मीनिंग होता है कि जब एक प्रपोजल रखा जाता है तब उसका नाम होता है बिल, और जब वो प्रपोजल पास हो जाता है, मतलब लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया, और जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, उनकी भी सहमति हो गई, तो फिर वही जो बिल है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो एक्ट है जो पार्लियामेंट से पास होके आया है, तो ये डेफिनेटली हर इंसान के ऊपर एप्लीकेबल है और उसे अपने ऊपर एप्लीकेबल करना ही होगा। कोई व्यक्ति अगर ये बोले कि भाई मुझे जीएसटी का नॉलेज नहीं है, मैं तो जीएसटी के रिटर्न नहीं भर सकता, मैं कैसे करूंगा इसको, तो ये इस ऑप्शन से वो बच नहीं सकता है। अगर आप आ रहे हैं उस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आपको 100% रिटर्न को इसको सीखने के बाद में आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ होगी। आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लोगों से मिलना शुरू करेंगे, आप सीए के साथ बैठेंगे, आप कंपनी सेक्रेटरीज के साथ में बैठेंगे, और जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं उनके साथ में आप रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको इससे एडवांटेज मिलना है। जब हम ये कोर्स को कराएंगे तब एक्सपर्ट्स के भी आपको इंटरेक्शन मिलेगा, आप उनसे इंटरेक्ट कर पाएंगे, आप सीखेंगे। जो लोग अभी 8% काम कर रहे हैं, जीएसटी के लिए काम कर रहे हैं, जो सीए काम करते हैं, तो उसे आपको मिलवाएंगे, आपका एक इंटरेक्शन बढ़ेगा, आप समझेंगे कि आखिर इस कोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है और ये क्यों हमें सीखना चाहिए और जीएसटी क्यों इंपॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि सैलरी तो आपको बढ़नी ही है, सैलरी आपको मिलनी ही है इसमें। उसका कारण यह है कि आपने एक नया सर्टिफिकेट कोर्स किया है, आपको जीएसटी की रिटर्न फिल करना आ गई है। हर एक बिजनेसमैन को, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कोई एक बिजनेसमैन जिसकी सेल, साल भर की सेल 20 लाख रुपीज से ज्यादा होती है, मोर देन 20 लाख रुपीज ज्यादा होती है, उसे जीएसटी की रिटर्न फिल करना, रिटर्न को जमा करना मैंडेटरी होता है, मतलब कंपलसरी होता है, वो मना नहीं कर सकता है। हाँ, 20 लाख से कम वाले जो होते हैं वो जीएसटी वगैरह नहीं करते, क्योंकि आप देखते हो गए भाई हमारे मोहल्ले में तो एक शॉप है, वहाँ पे जाकर हम कोई सामान खरीद के लेके आते हैं, ना तो वो हमें कोई बिल देता है, ना ही वो बिल में कोई जीएसटी चार्ज करता है, तो जीएसटी कैसे लगी। तो मैं बताऊंगा कि वो एक्चुअल में एक छोटा बिजनेसमैन है जिसको कि इस एक्ट में छूट दी गई है कि अगर आप 20 लाख रुपए से कम की सेल करते हैं तो आपको जीएसटी की रिटर्न भरना कोई कंपलसरी नहीं है, आप जीएसटी से फ्री है। लेकिन 20 लाख से ज्यादा अगर आपकी सेल होती है पर एनम, आपका टर्नओवर मोर देन 20 लाख रुपीज पर एनम है, तो उस कंडीशन में आपको जीएसटी रिटर्न फिल करना होगी, जमा करनी होगी। अब ये बात अलग है कि 20 लाख से लेके 1.5 करोड़ वहां तक चलती है कंपोजिशन स्कीम, और कंपोजिशन स्कीम के बाद में 1.5 करोड़ से ज्यादा का अगर आपका टर्नओवर है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर मैंडेटरी हर महीने आपको रिटर्न फिल करना है, किसी भी हालत में फिल करना है। तो जब आप इतना काम करेंगे, किसी फॉर्म के लिए, किसी इंडस्ट्री के लिए काम करेंगे, हर महीने अगर आप रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका वर्कलोड बढ़ा है, आपका काम बढ़ा है, आप में एक एबिलिटी आई है, तो आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और एक पॉसिबिलिटी है कि आपको एक एज ए करियर इसको आप देख सकते हैं, इसको आप चूज कर सकते हैं, और इसका करियर बहुत ही ब्राइट करियर है। जीएसटी में अगर आप कोर्स करते हैं तो उसका करियर बहुत ही ब्राइट है। आप ये ना सोचे कि ये 2-4-5 साल में खत्म हो जाएगा। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर कर कोई एक एक्ट बनाया गया है, तो एक्ट इतनी जल्दी कोई खत्म नहीं होते, चलते रहेंगे। पहले इनडायरेक्ट टैक्स चल रहा था, इसके बाद में अब जीएसटी आ गया, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर आप अकाउंट्स फील्ड में ही रहना चाहते हैं तो आपको इस कोर्स को करना चाहिए, आपको जीएसटी को सीखना ही चाहिए। जब आप सीखेंगे तो आपकी मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी, आपकी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। हम ये चाहते हैं कि आप इस संस्था में, स्कोप ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी में हैं, या वहाँ से कहीं बाहर भी हैं, कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं, या अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं, तब भी आपको इस कोर्स को करना चाहिए। इस कोर्स को करने से आपके पॉसिबिलिटीज बढ़ रही हैं कि आपकी वैल्यू बढ़े, आपकी डिमांड बढ़ेगी। फिर वही बात बता रहा हूँ मैं, आपका स्किल जो है वो आपका इसमें डेवलप होगा, आप अपना करियर टैक्सेशन में, फाइनेंस में, अकाउंटिंग में आप करियर बना सकते हैं, आप किसी फर्म को, किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं,
आप किसी एमएनसीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करना क्यों जरूरी है, एक बार थोड़ा सा मैं और आपको क्लियर कर दूं। क्या है कि हर एक बिजनेसमैन को एक जीएसटी कंसल्टेंट की आवश्यकता हो रही है। ये आवश्यकता क्यों पड़ रही है उसे? पहली बात तो जो बिजनेसमैन है उसके पास में इतना टाइम नहीं है कि वो जीएसटी रिटर्न भरता है। वो अपने बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देना चाहता है, बशर्ते कि ये रिटर्न्स वगैरह पे ध्यान दे, क्योंकि यहाँ पर डेट फिक्स की गई है। जैसे एक महीने की हम बात करें, जैसे अभी जनवरी चल रहा है, अगर किसी बिजनेसमैन को अपने दिसंबर की सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, दिसंबर में जो उसने बिजनेस किया उसकी इन्फॉर्मेशन वो जीएसटी पोर्टल पर जनवरी में सबमिट करेगा, तो 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच में उसको GSTR 1 भरना होगा, जिसका मीनिंग होता है कि उसे अपनी पूरी सेल बतानी है। मतलब दिसंबर में उसने जो सेल की है, जो प्रोडक्ट बेचा है, उस प्रोडक्ट की सारी जानकारियां उसको जीएसटी पोर्टल पर 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में सबमिट करनी है। वहां पर वो अपने सारे बिल स्कैन करेगा और स्कैन करके सबमिट करेगा। तो बिलों को स्कैन करना और उनको सबमिट करना एक बहुत बड़ा काम है, मतलब GSTR 1 भरना एक बड़ा काम है एक बिजनेसमैन के लिए। फिर 11 तारीख से लेके 15 तारीख तक जो उसने कमोडिटी परचेस की है, अभी उसने 10 तारीख तक सेल की इन्फॉर्मेशन दी, 11 से लेके 15 तक वो अपनी परचेस की इन्फॉर्मेशन सारी देगा। और वो इन्फॉर्मेशन देने के बाद में, मतलब GSTR 2 भरी उसने, और वो इन्फॉर्मेशन देने के बाद 16 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में उसका टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, और टैक्स कैलकुलेट करने के बाद 20 तारीख तक उसको अपनी जीएसटी का पेमेंट करना होता है। अब ये पूरा प्रोसेस आप देखिए, 1 तारीख से शुरू हुआ, प्रोसेस खत्म हुआ 20 तारीख को, और फिर आपको 10 दिन का गैप मिल रहा है, फिर अगले महीने फिर आप स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है थोड़ी सी, लेकिन प्रैक्टिकल प्रोसेस है जो बिजनेसमैन को करना ही है। तो पहली बात तो बिजनेसमैन को नॉलेज नहीं होता है, तो वो चाहता है कि मेरे को कोई ऐसा एक्सपर्ट मिल जाए जो कि मेरे जीएसटी के टेंशन को दूर कर दे। एक लड़का आए उनके यहाँ, वो आके हर महीने ये काम कर दे जिससे कि उसके जीएसटी के रिटर्न टाइमली जमा होती है, क्योंकि जमा करना बहुत ही मैंडेटरी है। यही कोर्स आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देगा, आप ध्यान दीजिएगा। मैं आपको अभी एक बात बताऊंगा कि हमारे इसके अंदर कंटेंट क्या है। हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देके यहाँ पर समझाएंगे किसी भी फर्म का, या जो रिटर्न है उसके बारे में बताएंगे कि पर्टिकुलर रिटर्न क्या होती है, पर्टिकुलर रिटर्न क्यों भरी जाती है, कैसे भरी जाती है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हम बताएंगे। आप यहाँ पर टैक्स कंसल्टिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप एक प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। आप किसी फर्म को फुल टाइम ज्वाइन ना करें, आप खुद का एक अपना ऑफिस खोलिए, आप वहां पर बैठ सकते हैं, 4 फर्म आके आपसे कंसल्ट करेगी, आप उनको एडवाइस करेंगे, आप उनकी जीएसटी के रिटर्न भरेंगे अपने ऑफिस में ही भर के, अपने ऑफिस में ही बैठ के। क्योंकि जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, जैसे मैंने बताया 20 लाख के ऊपर टर्नओवर वाला व्यक्ति, वो मान लीजिए किसी को फुल टाइम अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, किसी अकाउंटेंट को फुल टाइम नहीं रख पा रहा है, तो आपके पास आएगा, आपके ऑफिस में आएगा। आप 10 फर्म पकड़ के रखिए, इस तरीके से आप 10ों के लिए काम करिए, तो आपका मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। आप कंसल्टेंसी दीजिए, आप किस तरीके से जीएसटी में किस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जीएसटी का पेमेंट आप किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जीएसटी में जो कि आपको सीखना जरूरी है। जब आप सीख जाएंगे तब आप आगे सामने वाले व्यक्ति को कंसल्ट कर पाएंगे, उनको आप बता पाएंगे। और क्यों सीखना है हमें जीएसटी सीखना? ताकि आप कंप्लायंस को हैंडल करना सीखें, जीएसटी रिटर्न्स वगैरह जो रहती हैं वो रिटर्न्स कैसे भरी जाती हैं, कब भरी जाएंगी, कैसे भरे जाएंगी, ये सब चीज़ें आपको जानना आवश्यक है। आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप किसी भी फील्ड के हो, आपको जीएसटी के बारे में, जीएसटी का स्किल जानना आवश्यक है। कल हमने एक और कोर्स लॉन्च किया जिसमें कि हम टेली की बात कर रहे हैं, तो टेली भी सीखना आपको जरूरी है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप टेली को सीखिए, क्योंकि आजकल जो भी आपका अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो मैन्युअली नहीं होता, आजकल पूरा कंप्यूटराइज्ड होता है, वो टेली पर ही, टेली सॉफ्टवेयर पर ही सारे के सारे काम होते हैं। तो आप टेली सीखिए, टेली के साथ साथ आप जीएसटी का भी काम सीखिए, जिससे कि आप पूरे तरीके से एक्सपर्ट बन जाएंगे। जो फ्रेशर्स हैं वो अपना करियर फाइनेंस, बैंकिंग और अकाउंटिंग में देख सकते हैं, टैक्सेशन में अपना करियर दे सकते हैं, ठीक है ना, अपने क्लाइंट्स को वो सेटिस्फाइड कर सकते हैं। और ओवरऑल नया टैक्स आया है जिसमें कई अमेंडमेंट्स होते हैं, कई चेंजेस होते हैं, आपको उन सबका नॉलेज मिलेगा, और नॉलेज मिलने के साथ साथ आप सामने वाले को एडवाइस कर सकते हैं। आप अपने
टैक्स लाइबिलिटी करते हैं, आप उसको टैक्स का पेमेंट उसका आप कर सकते हैं। अब हम एक बार थोड़े से कंटेंट की बात कर लेते हैं। ओवरव्यू आप टैक्स को बताया है, थोड़ा सा बताया लगभग आप मान लीजिए 25% बताया है, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू बताया जीएसटी क्या है और इंडिया की, इसमें हम कुछ डेफिनेशन के बारे में बात करें, टर्मोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो आपको अभी नहीं पता होगी, जो सिर्फ जीएसटी के अंतर्गत लगती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रजिस्ट्रेशन, भाई कोई बिजनेस मैन है वो चाहता है कि मेरे को जीएसटी पे करना है, अब जीएसटी अगर उसे पे करना है तो उसे सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा उसको नहीं पता है, तो यहाँ पर आप एडवाइस करेंगे, आप बताएंगे कि भाई रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके चलना है, आप लेके चलना है इन द सेंस आपको सब रेडी करके रखना है, आप अपना पैन कार्ड रखेंगे, आप अपना आधार रखेंगे, आप अपना बैंक पासबुक की कॉपी रखेंगे, ये सब चीज़ें आपको तैयार करके रखनी है जो स्कैन करके वहाँ पर जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी बिजनेसमैन की, किसी भी पर्सन की पैन कार्ड, उसका आधार, उसका बैंक की पासबुक, ये चीज़ें अगर कहीं पे किसी डिपार्टमेंट में सबमिट हो गई तो फिर आप मानिए कि उसको फ्रॉड करने के कहीं से कहीं तक कोई चांसेस नहीं होते हैं, सब चीज़ें बिल्कुल उसकी लिंक होगी वहाँ पर। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, उसको क्या क्या करना, कैसे कैसे करके क्या क्या इन्फॉर्मेशन देकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उसको जीएसटी नंबर मिलता है, आप देखते होंगे किसी भी शॉप पर जाते हैं उसके साइन बोर्ड देखिएगा, शॉप में अंदर एंट्री करते हैं तो वहाँ पर जीएसटी नंबर लिखा होता है, वो नंबर जो होता है वो टोटल 15 डिजिट का होता है, आप कभी देखिएगा उसको। अब उसमें भी उससे क्या पता चलता है वो आप जब कोर्स ज्वाइन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि उसको देखकर हम क्या समझ सकते हैं कि उसका मीनिंग क्या है, लेकिन जीएसटी में अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको अपने साइन बोर्ड पर, अपने इनवाइस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर शो करना बहुत ही मैंडेटरी है। कंपोजिशन लेवी, सप्लाई किसे कहते हैं, नेचर प्लेस एंड टाइम ऑफ सप्लाई, ये सब टर्मोलॉजी है जो आप कोर्स में समझ पाएंगे। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स रेट्स, अभी मैंने आपको बताया था 0%, 5%, 12%, ये जो परसेंटेज आपको बताया 18%, 28%, तो कौन से प्रोडक्ट हैं जो इन परसेंटेज के अंतर्गत आते हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें समझ पाएंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इसके अंदर, जिसका कि बिजनेसमैन को बेनिफिट मिलता है, उसकी टैक्स लाइबिलिटी कम होती है, तो कैसे आप किसी बिजनेसमैन को इनपुट टैक्स क्रेडिट दिलाकर उसकी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। रिवर्स चार्ज, ये आपको समझना, रिवर्स चार्ज क्या होता है, उसमें लाइबिलिटी कैसे निकलती है, और प्रिपरेशन ऑफ टैक्स इनवाइस, जब हम जीएसटी का इनवाइस बनाते हैं जिसे कि हम नॉर्मली बिल कहते हैं, अगर यह बिल बनाया जाएगा तो वो कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। मैं आपको बताऊं, जब भी जीएसटी का बिल बनता है उसमें ओवरऑल 16 कंटेंट्स होते हैं जो आपको चेक करना पड़ते हैं, नहीं तो वो बिल जो होता है वो इनवैलिड हो जाता है। 16 कंटेंट्स उसके अंदर आते हैं तब जाके प्रॉपर एक टैक्स इनवाइस प्रिपेयर हो पाता है। ई वे बिल कैसे बनता है, जिसे हम जानते हैं कि जिसे किसी ज़माने में बिल्टी कहा करते थे, आपने देखा होगा जब कभी ट्रांसपोर्ट से सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ट्रक में हम सामान ले आते हैं तो जो ट्रक का ड्राइवर होता है उसके पास में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स में गाड़ी के तो होते ही होते हैं, जो सामान अपनी गाड़ी में लेके जा रहा है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि वो कहाँ से निकला और कहाँ जा रहा है, किस टाइप का प्रोडक्ट है, उसको कितना टैक्स चार्ज होगा, वो किस तरीके से बनाया जाता है, ये हम सीखेंगे ई वे बिल के अंतर्गत। कैलकुलेशन एंड पेमेंट ऑफ टैक्स, कैसे टैक्स का कैलकुलेशन होगा, कैसे पेमेंट होगा, और जीएसटी की टोटल जो रिटर्न्स होती हैं कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 डिफरेंट टाइप्स की रिटर्न्स होती हैं, वो रिटर्न किसके लिए होती है, कब होती है, और किस व्यक्ति को कौन सी रिटर्न जमा करना है, ये आपको पता होना चाहिए। एक NRI है, नॉन इंडियन रेसिडेंट है, वो कौन सी रिटर्न भरेगा, ये आपको पता होना चाहिए। कंपोजिशन ऑफ लेवी में कौन सी रिटर्न जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल बिजनेसमैन कौन सी रिटर्न जमा करता है, ये आपको पता होना चाहिए। रिटर्न कैसे भरी होती भरी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। और ओवरऑल डिडक्शंस कैसे मिलेंगे इसके अंदर, तो ये हमारा एक कोर्स कंटेंट है पूरा, जिसके अंदर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों चीज़ें दी जाएगी, सिखाया जाएगा किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है, क्या होता है। और ये कोर्स को हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर स्टार्ट करेंगे, जो स्टूडेंट यहाँ पर आकर ऑफलाइन मोड पे करना चाहते हैं
वेलकम, वो यहाँ पर आए, ऑफलाइन मोड में कोर्स को कर सकते हैं, और अगर ऑनलाइन भी करना चाहे तो ये हमारे पोर्टल पर अवेलेबल है, इसको भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं उनके तो एबिलिटी को वो इनहेंस करेगा ही करेगा, लेकिन जो ट्वेल्थ पास स्टूडेंट हैं जो टैक्सेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं वे भी इस कोर्स को ज्वाइन करें। फीस काफ़ी नॉमिनल है, 3000 रुपीज़ हमारी फीस है। बेस साइज जो है वो लगभग 30 स्टूडेंट्स का बेस साइज रहेगा। कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। आपको फीस के बारे में आपके क्वेश्चन है तो उसको 3000 रुपीज़ फीस बताई गई है, 3000 रुपीज़ इसकी कोर्स फीस है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेली की भी नियर अबाउट सेम फीस है। आपको नंबर दिए गए हैं, 100 नंबर पे आके आप बात कर सकते हैं। हाईएस्ट रेट आपने पूछा है 40%, तो जीएसटी में 40% नहीं है, 28% हाईएस्ट रेट होता है। 15th ऑफ दिस मंथ हम इस कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, 15 जनवरी से। आप कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं उस पर आप बात कर सकते हैं और पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग।